हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीवो के मोबाइल में डेवलपर जो ऑप्शन है उसे ऑन कैसे किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है, सबसे पहले आपको चले जाना है मोबाइल के सेटिंग के अंदर। ये देखिए, मैं मोबाइल के सेटिंग के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिस्टम मैनेजमेंट। तो आपको सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। अब सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है अबाउट फोन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अबाउट फोन पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो दिखाई देगा। आपको ये सॉफ्टवेयर वर्जन के ऊपर 7 टाइम क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखा आ रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर ऑप्शन, क्योंकि मैंने पहले ही डेवलपर ऑप्शन ऑन कर रखा है इसलिए एक दो बार प्रेस करते ही ये आ गया। लेकिन आप कंटिन्यू इसके ऊपर प्रेस करते रहिए, जैसे ही आप प्रेस करते रहेंगे आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे देखिए डेवलपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है और डेवलपर ऑप्शन के अंदर ये सारे जितने भी फीचर्स हैं वो आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका वीवो मोबाइल से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।